हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट फैंक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है छोटा सा, ये 0006 वाला जो बॉक्स है, छोटा सा पोर्टेबल बॉक्स, इस बॉक्स में जो है ऑन नहीं हो रही है किसी कारण, बस ये हमारा जो डेड हो चुका है। आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, एक छोटा सा इंट्रो के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा पास ये 006 वाली बॉक्स है, पोर्टेबल बॉक्स, जिसमें प्रॉब्लम है कि ये ऑन ही नहीं हो रहा और चालू नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारण बस, और हमारा जो है ये काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि लगभग प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर ऐसा करके आप देख सकते हैं, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हो सकता है, लेकिन लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, किसी किसी का ही प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होती फ्रेंड। तो चलिए, आज इस वीडियो में आपको जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को इजीली हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, और इजीली लगभग पोर्टेबल बॉक्स का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, बट कुछ कुछ बॉक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, जिससे कि मेन आईसी ख़राब हो जाएगी तब उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा फ्रेंड। बट यहाँ पे वो सारा चीज़ सही है और प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। तो प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है फ्रेंड, हमारा जो वीडियो, हम जो वीडियो बनाते हैं बहुत ही मेहनत करके बनाते हैं, फिर भी आप लोग, आपका प्रॉब्लम कुछ और होता है और हम वीडियो में बताते हैं, जो वो प्रॉब्लम सेम नहीं रहने के कारण आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता होगा, हो सकता है कि नहीं हो पाता सबका। तो उस हिसाब से आप मेरे को गलत ना ये करें, लेकिन रिपेयरिंग में ऐसा होता है फ्रेंड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे दिखा रहे हैं बैटरी का वोल्टेज जो है बहुत ही जीरो हो चुका है, और यहाँ पर बैटरी चार्ज नहीं ले पा रही है। सारा चीज़ सही है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं ले पा रही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर चार्जर पिन में चार्जिंग लगा, चार्जर इंडिकेटर भी जल रही है और ऐसे से चार्जिंग नहीं जा रही है, जिसके कारण से यहाँ पे बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है और बैटरी से ये ऑन नहीं हो पा रही है, जिससे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सही से वोल्टेज नहीं जा रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज मैंने चेक किया चार्जिंग से, 5 वोल्ट मुझे मिला इसी डायोड के पास, ब्लैक वाली, जो कि मैंने यहाँ पर दिख रहा साफ साफ। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बताऊँगा, और आप ऐसे ही करके आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वोल्टेज अभी भी नहीं आ रही, बैटरी खोलने के बाद थी नहीं आ रही है, लगभग वही दिखा रही है, और बैटरी का जो वोल्टेज था वही। तो यहाँ पे डायोड के निशान से 4.5 के आसपास वोल्टेज दिखा रहा, तो 4 वाली वोल्टेज को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और चलिए मैं आपको पहले कनेक्ट करके दिखाऊँगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने वोल्टेज चेक किया, 4.7 वोल्टेज है डायोड के बाद, 5 वोल्ट आपको डायरेक्टली नहीं देना, जहाँ पे डायोड के सेकंड साइड में जहाँ पे 4.74 वोल्ट है कुछ समथिंग मिलने वाली है फ्रेंड। तो चलिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगर गलत जगह जोड़ेंगे तो रेड वाली इंडिकेटर चलते रह जाएगी, तो सेकंड साइड में जोड़ देंगे रेड वाली इंडिकेटर बंद हो जाएगी फ्रेंड। तो चलिए, यहाँ पर प्लस वाली तार को इस डायोड के आसपास में जोड़ेंगे, जो कि 4.7 के आसपास मुझे वोल्टेज मिल रही थी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैंने इसको जोड़ लिया हूँ, और यहाँ पे बैटरी वाली प्लस वाली पॉइंट में जोड़ देंगे, ताकि हमारा जो बैटरी इजीली चार्ज हो, चार्जिंग नहीं हो पा रही है। और चलिए फ्रेंड, एक वायर को और जोड़ेंगे ग्राउंड वाली, फिलहाल हमारा जो काम सक्सेस ना हो, अगर ऐसा लग रहा है तो ग्राउंड वाला पॉइंट को भी जोड़ लेंगे, क्योंकि बैटरी वाले पॉइंट में ग्राउंड वाले पॉइंट का भी मिसिंग होती है। जैसे कि फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से जोड़ा हूँ, साफ साफ आपको कनेक्शन दिख रहा होगा, और मैंने ऑन करने की कोशिश किया, ऑन नहीं कर पाया। तो चलिए फ्रेंड, ग्राउंड वाला पॉइंट को भी जोड़ लेते हैं, हो सकता है कि आपका ग्राउंड पॉइंट सही से ना मिले, बहुत सारी बोर्ड में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट को यहाँ पे जोड़ लेते हैं बैटरी वाले माइनस पॉइंट में, और ग्राउंड को ग्राउंड में जोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड, माइनस को जोड़ लिया, ग्राउंड या USB के सॉकेट के ऊपर में भी जोड़ देंगे ना फ्रेंड, तो काम कर जाएगा, कहीं ग्राउंड खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर जोड़ लिया, सबसे सिंपल और सबसे स्टिक ट्रिक है फ्रेंड। तो चलिए, हमारा जो ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा फ्रेंड चार्जिंग लेने के बाद। तो चलिए, मैंने चार्जिंग लगा दिया हूँ फ्रेंड, और मैं आपको दिखाते हैं फ्रेंड, हमारा जो ब्लूटूथ किट है ऑन हो चुका है, और मैं
आपको सॉन्ग भी प्ले करके दिखाऊंगा। और हमारा जो ब्लूटूथ किट, बहुत ही कोशिश करने के बाद हमारा जो ओवन हो चुका था। और चलिए मैं आपको आगे दिखाते हैं। और फ्रेंड जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है फ्रेंड, अगर 3 महीना के अंदर में आप उस कॉन्टेस्ट को जीत लेते हैं तो आप हमारे प्राइज को जीत पाएंगे फ्रेंड। जैसे कि हमने जो कॉन्टेस्ट रखा है उसमें आपको हमारे वीडियो को शेयर करना है, कॉमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। और लोगों से सब्सक्राइब करा पाते हैं तो सब्सक्राइब करा के स्क्रीन शॉट मुझे व्हाट्सअप में दें, जितना जितना स्क्रीन शॉट और जितना जितना लोगों तक आप ज़्यादा शेयर करेंगे और जितना मुझे स्क्रीन शॉट मिलेगा कि लगेगा कि मैंने आपने इतना ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर किया और लोगों तक पहुँचाया है, तो जो इसमें फर्स्ट डिवीज़न आएगा फ्रेंड उसको मैं ए वाले जैसे बॉक्स बना रहा हूँ, इसमें से कोई एक फर्स्ट डिवीज़न आने वाले को बॉक्स में आपको दूंगा फ्रेंड। और बाकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उसको मैं कोई अच्छे से क्वालिटी का हेडफोन आपको फ्री डिलीवरी फ्री आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड फर्स्ट सेकंड थर्ड को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें और हम मुझे सपोर्ट करें। मैंने मुझे सपोर्ट करने का प्राइस तो मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप मुझे अच्छी तरीके से सपोर्ट करें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, 3 महीना के लिए मैंने इसको कॉन्टेस्ट को रखा हूँ, 3 महीना के अंदर मुझे क्या सपोर्ट मिलती है आप लोगों की तरफ से और अच्छा रिस्पॉन्स मिलती है तो मैं आपको ज़रूर ही दूंगा, ये हमारा वादा है। तो चलिए फ्रेंड साउंड को टेस्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।